तो देखिए गाइस, गेलजिन को सिल्वर मेडल भी मिल चुका है जो ब्रॉन्ज है, तो बहुत भारी है। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, अभी घड़ी का बज रहा है सुबह का 5:30। तो देखिए बाहर पूरा अंधेरा ही है। तो अभी क्या किया हमने, रेडी से जी होके पूरा झकास हो लिया। अभी हम जा रहे हैं परेड ग्राउंड, क्योंकि क्या है अभी हम लोग का स्पोर्ट्स चल रहा है। तो स्पोर्ट्स का सुबह परेड प्रैक्टिस और साथ ही इवेंट भी है, कुछ इवेंट है। तो उसके साथ जल्दी से परेड खत्म होने के पश्चात घर आएंगे, आने के पश्चात ब्रेकफास्ट करेंगे और प्लानिंग करेंगे कि आज क्या है। एक्चुअली आज है 31 दिसंबर 2023। तो आज रात के 12 बजे के बाद हैप्पी न्यू ईयर होगा। तो इस वजह से क्या है, जल्दी आना है, कुछ गैलचेन दीचेन अनिता हमें तो कुछ सेलिब्रेशन करना है। तो इसलिए क्या है, अभी सबसे पहले ग्राउंड जाते हैं सुबह सुबह मॉर्निंग पर। तो गाइस, अभी हम लोग गैलचेन में और दीचेन यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, सनबात कर रहे हैं यहाँ पर बाहर पर तोशक बिछा के। तो यहाँ पर देखिए दीचेन चॉकलेट दिखा रही है, जस्ट जेली, साथ ही यहाँ पर गैलचेन भी है। तो अभी हम लोग यहाँ पर सोते हैं। ओह क्या मजा आ रहा है यार धूप में। दीचेन चपटे हो भाई साहब, आया रे दीचेन चपटी। तो गाइस, आज गैलचेन को फिर दोबारा मेडल मिला है, जो कि उस दिन का जो नेशनल गेम हुआ था उसका। तो उस दिन वो मतलब गेम ख़त्म करके आया था, वो बोल रहा है उसका मेडल है। तो आज उसको मेडल मिला, कि इसको क्या है, सेकेंड प्राइज मिला, यानी सिल्वर मेडल मिला है। यहाँ पे देखिए, तो गैलचेन को कुमिटी में सेकेंड मिला है। यहाँ पे देखिए ये देखिए, और साथ ही साथ हाथ में क्या है, सिल्वर मेडल। ब्रॉन्ज है तो बहुत ही भारी है। चलो गैलचेन हैप्पी है ना, दो दो मेडल, बहुत मेडल हो चुका है तुम्हारा तो। आज भी है, अभी इवनिंग में भी है, रेस है। तो गाइस, अभी हम बजा जा रहे हैं। क्या हुआ दीचेन, गैलचेन को बोलो आपा का फोन है, छूना नहीं है, ठीक है? क्या बोलोगी? ठीक है, बाय, आ रहा हूँ। तो अभी हम जाएंगे बाजार, क्योंकि क्या है, आज 31 दिसंबर, तो न्यू ईयर की रात सेलिब्रेशन करना है। तो करने के लिए क्या है, बारबेक्यू खाएंगे। एक्चुअली हमारे पास वो एयर फ्रायर तो है, लेकिन एयर फ्रायर से भी बढ़िया अगर मिला तो वो जाली लेके आएंगे, उसमें बारबेक्यू बना के खाएंगे। लेकिन अदरवाइज नहीं मिला तो एयर फ्रायर में खाएंगे। लेकिन अभी जा रहा हूँ, थोड़ा बहुत देखते हैं मिलता है कि नहीं। तो अभी बदा से घर भी आए, और साथ ही साथ देखिए हाथ में जाली, जो कि आज बारबेक्यू बना के खाएंगे। क्या हुआ? यही तो, यही वाला है, देखो यही तो सैमसंग। अरे कहाँ से, इससे छोटा नहीं होगा, यही होता है साइज। ये मतलब क्या बोलो तो 1x4 फीट का होता है, तो इसलिए दो बना के लेके आया, ठीक है? नहीं, अब क्या करेंगे, एक को रखेंगे धोधा के, एक को रख देंगे, एक को यूज करेंगे। देखिए गाइस, अभी जा रहा हूँ कुकुरी और बम्पक लेके कटिंग करने के लिए, लकड़ी को काटने के लिए, क्योंकि क्या है शाम को बारबेक्यू बनाना है। और साथ ही साथ अभी क्या है, मैंने पूरा तीखा खा लिया, बहुत मिर्ची खा लिया डल्ले, तो अभी पूरा तीखा लग रहा है। तो अभी इसको कटिंग करते। तो गाइस, आज शाम के लिए देखिए यहाँ पे तो जमा कर चुका हूँ, और साथ ही ये मोटा वाला लकड़ी, क्योंकि अपना पुराना तरीका क्या, इसमें क्या है काट जाता है, तो यानी कोयला ज्यादा होता है, तो इसलिए ओके। तो गाइस, अभी आज रात के लिए जो खाना है अनीता बना रही है, क्योंकि न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए हमने तो बाहर बारबेक्यू के लिए सब रेडी कर चुका हूँ। तो यहाँ पे देखिए अनीता क्या बना रही है आज का खाना के लिए। तो देखिए ये है कि क्या बना रही हो, लच्छा रोटी। इधर देखो तो क्या बनाओगी, लच्छा रोटी। लच्छा रोटी या लच्छा परोठा, लच्छा परोठा, लच्छा रोटी जो। हाँ, यहाँ पे तवा गरम हो रहा है, और साथ ही साथ ये क्या चिकन है, बटर चिकन। देखिए हमारा बटर चिकन भी रेडी हो चुका है, और पनीर मटर ये भी है, बटर चिकन और पनीर मटर। तो अभी अनीता यहाँ पे काम कर रही है, तो इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हम क्या थोड़ी देर के बाद बाहर जाके आग जलाएंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, हम बारबेक्यू करने के लिए, और बारबेक्यू करने से पहले आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, जो कि जब मैंने परेड में था तो अनीता को फोन करके बोला था कि अनीता इसको मैग्नेट करके रख दो, तो अनीता ने पूरा मैग्नेट करके रख दिया है। यहाँ पे देखिए बहुत बढ़िया हुआ है अभी। तो यहाँ पे देखिए हमारा बारबेक्यू, गैस से तो मुंह डाल रहा है अंदर ही। चलो ये हमारा बारबेक्यू। तो गाइस, आज 31 दिसंबर 2023 को यादगार बनाने के लिए यहाँ पर हमारा दीचेन क्या कर रहे हैं, देखिए। तो देखिए हमारा दीचेन 31 दिसंबर 2023 को यादगार बनाने के लिए खुद पढ़ रही है, और ड्राइंग वोइंग कुछ बना रहे। दीचेन, दीचेन बाबू नहीं आ रहा, मम्मा इधर देखो ना मम्मा। तो देखिए अपना ध्यान लगा रही है वो।
साथ ही हमारा गैल सिंह भी यहाँ पर अपना हैंड राइटिंग बनाते हुए, मैंने इसको बोला था कि आज 31 दिसंबर है, यादगार बना बाबू बोल के। देखिए हमारे गैल सिंह की कितना बढ़िया है, सुंदर हैंड राइटिंग है, क्लास 4 स्टैंडर्ड का देखिए। चलो हम यादगार बनाने के लिए अनीता को क्या करते, थोड़ा बहुत हेल्प करते हैं, तो अनीता को हेल्प करते हैं यहाँ पर, लेकिन अनीता खुद बना रही है कि नहीं, हेल्प करना जरूरी है क्या? अब हेल्प करने की जरूरत ही नहीं है। तो ठीक है यार, बहुत थैंक यू। तो अनीता बोल रही है कि मेरे को हेल्प नहीं करना है, तो वो खुद बनाएंगी। तो ठीक है, चलो अभी हम क्या करते हैं, एडिटिंग का थोड़ा बहुत काम बाकी है, तो एडिटिंग करते हैं अभी। तो गाइस अभी हम लोग बाहर आ चुके हैं, तो सबसे पहले आग जलाएंगे। आग जलाने से भी पहले मेरा जुगाड़ देखिए गाइस, यहाँ पर देखिए गाइस जुगाड़। ये क्या था जो हमने ग्रिल के लिए लेके आया था, बारबेक्यू के लिए, उसको क्या इच्छा था उसको सीधा बनाने के लिए के, बाल्टी का जुगाड़ खाली पापा का था, बाकी सब मेरा ही है, बाकी सब तुम्हारा है। ये तो अभी यहाँ पे पूरा लकड़ी चूल्हा वूल्हा रेडी हो चुका है, अभी जलाएंगे। अभी देखो गाइस लकड़ी पे पूरा निकालते हुए, इतना से तो मस्त बारबेक्यू बनेगा, मस्त बढ़िया बनेगा, बढ़िया से। सबसे पहले बेस के लिए लकड़ी रखते हुए, छोटा छोटा लकड़ी रखेंगे, पकड़ना है। तो सबसे पहले जलाने के लिए क्या डालेंगे हम यहाँ पे, कपूर डालेंगे, कपूर। तो अभी हमारा आज 31 दिसंबर का आज जल रहा है गाइस। तो अभी क्या करते हैं, जो पन्नी वन्नी है समाज का गिफ्ट का जो प्राइस मिला था हम लोग को, वो पन्नी जला देंगे। और गाइस आज मैं डिसन भी ले आ चुकी है, लैंटर्न लेके, क्या लेके आया ठीक है, लैंटर्न स्काई लाइटिंग, उसको रखो डिसन में भी, मत जलाना, तुम जला नहीं पाओगी गाइस। एक नहीं दो तो है, एड़ा की दूटा, हम हम गाइस हमारा आग जल रहा है बारबेक्यू के लिए। तो गाइस हमारा बारबेक्यू देखिए, तो पीस तो थोड़ा बड़ा बड़ा हो गया है, तो उसके क्या करेंगे, कटिंग करेंगे। तो अनीता कटिंग करेगा, तो यहाँ पे देखिए हमारा कटिंग करो, चेन गैल चेन, अनीता कौन कटिंग करेगा, पकड़ी ना तब काट चुमा, दोनों आदमी कैसे करेगा कटिंग, कुछ नहीं होगा, चलो मतलब बुकरा में देख ही रहा हूं, ये तो ठीक है, चलो सा ये लेके ना, इतना चलो खाने का, चलो अभी आग हो रहा है, तो अभी थोड़ा बहुत एक दो पीस रख देंगे, बारबेक्यू का समय होगा तो इसलिए, गिरना नहीं रे भाई, गिरना नहीं, ओ सॉलिड यार, ओ तो गाइस आज तो हम रो रहे हैं पूरा धुआं से, पूरा आग जल रहा है धुआं से। जाने दू, जाना बहुत जान लिया ना तुम लोग, तो यहाँ पे हमारा बारबेक्यू हो रहा है, हो रहा है। और भी है गाइस, चिकन है, और एक तो रख देंगे। तो देखिए हमारा बारबेक्यू हो रहा है, साथ ही अनीता ऑयल लगाते हुए ब्रश से, तो यहाँ पे हमारा अनीता, ज्यादा मत करो खराब हो जाएगा, ना गैल चेन ओ काला चश्मा, पारी करेंगे पारी। तो गाइस अभी हम लोग का बारबेक्यू रेडी होने वाला है, तो यहाँ पे हमारा गैल चेन को भूख लगा है बोल के, ये परोठा और बटर चिकन और पनीर खा रहा है यहाँ पे देखिए, मस्त पीछे दीचे ने। साथ ही साथ अभी हमने क्या किया कि जो आग है उसमें ज्यादा आग हो रहा है, तो मासू मतलब जो चिकन था सॉरी वो खराब हो रहा था, इसलिए क्या किया, दो आग जला, एक आग कोयले के लिए और दूसरा कोयले में बारबेक्यू बना रहा है देखिए। तो यहाँ पे हमारा आग जल रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पर क्या किया हमने, सिर्फ कोयला रख के अभी क्या है बारबेक्यू, देखिए गाइस बारबेक्यू बहुत बढ़िया हो रहा है, देखिए बारबेक्यू, देखिए बारबेक्यू, ये राम। तो गाइस मेरा बारबेक्यू देखिए बहुत रेडी हो चुका है, सबसे पहले गैलचेन के लिए बाइट, गैलचेन खा लो, गरम है, कैसा हुआ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बोल रहा है, अभी हम भी टेस्ट करेंगे बारबेक्यू गरम गरम है।
बहुत ही बढ़िया। तो गाइस अभी खाते खाते अनीता ने पूछा कि इसको क्यों बारबेक्यू कहते हैं, तो काइंडली आप लोग को जिसको जितना ज्ञान है कमेंट सेक्शन में जाके बोल दीजिए कि इसको बारबेक्यू की क्यों कहते हैं। तो अनीता अभी पूछा मेरे को। तो गाइस एक ठो बारबेक्यू तो हमने टेस्ट कर लिया, तो इसके साथ क्या है प्याज और धनिया पत्ता होना, तो धनिया पत्ता अभी रात को कहाँ जाएंगे, तो देखिए हमारे घर में ऑर्गेनिक, देखिए घर में, तो देखिएगा गाइस हमारे घर का धनिया पत्ता देखिएगा गाइस ऑर्गेनिक, देखा दूर में किनने खरीदने कोई जरूरत नहीं, घर में है देखिए। सो गाइस अभी हैप्पी न्यू ईयर होने में कुछ सेकंड बाकी है, लेकिन सब कुछ सो गया है यार, सभी लोग सो गए, लेकिन हम आप क्या है 5 4 3 2 1 हैप्पी न्यू ईयर गाइस। जो भी अभी मेरे को देख रहा है सभी को मेरे आंतरिक हृदय से 2024 को बहुत ही शुभकामना है, जैसे आप लोग का 2023 बीता है उससे बढ़िया बीते, और साथ ही अभी यहाँ पे पूरा गाना बज रहा है यार वैर जो भी गाना बज रहा है गाइस, सभी को हैप्पी न्यू ईयर तहे दिल से, प्यार करने वालों को सब्सक्राइब करने वालों को हैप्पी न्यू ईयर, दोबारा एक बार फिर से कहना चाहता हूँ हैप्पी न्यू ईयर गाइस, जय हिंद जय भारत।